दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। सूर्य ने पुडुचेरी के लिए खेलते हुए 133 रन ठोक डाले। इस मैच में सूर्य कुमार यादव की पारी तो सबसे तूफानी हुई और अपनी इस पारी के दम पर उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में तेज शतक लगाने के मामले में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल लिस्ट ए क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव अब सबसे तेज शतक ठोकने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए, जहां पहले विराट कोहली थे। सूर्य कुमार यादव ने पुडुचेरी के खिलाफ 58 गेंदों पर 135 रन बनाए, जिसमें 22 चौके और 4 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 229.31 का रहा। इस दौरान उन्होंने अपना शतक सिर्फ 50 गेंदों में ही पूरा कर दिया। वहीं लिस्ट ए में विराट कोहली ने साल 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों पर शतक लगाया था। ऐसे में अब सूर्य कुमार विराट कोहली से आगे निकल गए। वहीं लिस्ट ए में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम पर है, जिन्होंने 2010 में अहमदाबाद में महाराष्ट्र के खिलाफ 40 गेंदों पर शतक लगाया था। जाहिर है सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में काफी शानदार रहा है, जिसको देखते हुए सूर्या को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया। ऐसे में उम्मीद है कि सूर्या इसी तरह का प्रदर्शन भारत के लिए खेलते हुए भी करेंगे।